शिवी जातक गाथा, यदि कोई ऐसा दान है जो मैंने अभी तक नहीं दिया है, चाहे वो नेत्रों का दान ही क्यों न हो, तो मैं दृढ़ता और निर्भयता पूर्वक उसे भी तुरंत दे दूंगा। वर्तमान कथा। एक बार जब भगवान जैतवन में निवास करते थे, उस समय श्रावस्ती के राजा ने ब्राह्मणों और भिक्षुओं को कई दिन तक भोजन कराया और दान देकर उन्हें संतुष्ट किया। सब लोग राजा को आशीर्वाद देकर गए, परंतु तथागत बिना आशीर्वाद दिए ही चले गए। दूसरे दिन राजा भगवान के दर्शनों के लिए जैतवन में गया, तब इस विषय में प्रश्न किया। तथागत ने कहा, हे राजा, लोगों की मलिनता मिटी नहीं है, वे अपवित्र ही हैं। स्वर्ग का द्वार लोगों के लिए नहीं खुलता है। राजा ने तथागत को आदरपूर्वक प्रणाम किया और शिवी देश का बना एक बहुमूल्य वस्त्र उन्हें भेंट कर चला गया। दूसरे दिन विहार में उस हजारों रुपये के मूल्य वाले अद्भुत वस्त्र की चर्चा हो रही थी। तथागत के समक्ष जब यह विषय उपस्थित हुआ, तो उन्होंने कहा, प्राचीन काल में लोग केवल भौतिक वस्तुओं का दान करके ही संतुष्ट न होते थे। वे अपने प्राणों को संकट में डालकर अपने शरीर के नेत्र तक को निकालकर दान कर देते थे। अतीत कथा। प्राचीन काल में शिवी देश में शिवराज नामक राजा राज्य करता था। बोधिसत्व का जन्म इसी शिवी कुल में एक राजकुमार के रूप में हुआ। राजकुमार शिवी ने तक्षशिला में रहकर विद्या अध्ययन किया और वेदों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके राजधानी को लौट आए। पिता ने उनको सब प्रकार से योग्य समझकर उन्हें एक प्रांत का शासक नियुक्त कर दिया। कालांतर में पिता का देहांत हो जाने पर राजकुमार शिवी ने राज्यभार संभाला। तरुण राजा को दान देने में अत्यधिक आनंद आता था। उसने अपने राजधानी में 6 विशाल मंडपों का निर्माण कराया। वहां वह स्वयं उपस्थित होकर दान दिया करता था। धीरे धीरे उसकी कीर्ति सारे संसार में फैल गई। एक दिन राजा अपने मन में सोच रहा था, मैंने अभी तक ऐसे तमाम पदार्थों का ही दान किया है जिनके देने में स्वयं मुझे कोई विशेष कष्ट नहीं हुआ। अब मुझे कोई असाधारण दान देना चाहिए, बाहर की वस्तुओं का नहीं, अपने शरीर का। उपरोक्त गाथा में राजा का यही संकल्प व्यक्त हुआ है। धीरे धीरे राजा को लोगों की इच्छा का पता लगा, परंतु लोग उसे बहुत चाहते थे, अतः ऐसी किसी चीज को मांगने की किसी की इच्छा ही न होती थी जिससे राजा को कष्ट उठाना पड़े। इंद्र यानी शक्र ने राजा की परीक्षा लेने की ठानी। वह अंधे ब्राह्मण का रूप धरकर राजा के पास आया और कहा, हे राजा, मैं नेत्रहीन हूँ, परंतु तुम्हारे 2 आंखें हैं। यदि तुम 1 मुझे दे दो, तो हम दोनों 1-1 आंख से अपना कामकाज चला सकते हैं। राजा जिस चीज की प्रतीक्षा में था, वही उसे मिल गई। उसने अपने राजवैद्य को बुलाकर कहा, मेरी 1 आंख निकालकर इस ब्राह्मण की लगा दो। नगर के लोगों ने सुना तो सब दौड़े आए और राजा को नेत्रदान करने से रोकना चाहा, पर वह अपने वचन पर दृढ़ था। अंत में लोग शक्र को भला बुरा कहने लगे। वैद्य ने 1 नेत्र निकालकर ब्राह्मण की आंख में बिठा दिया। इसके पश्चात बोधिसत्व ने दूसरा नेत्र भी निकलवा कर उसकी दूसरी आंख में बिठवा दिया। इस महान त्याग से शक्र बहुत प्रभावित हुआ। उसने राजा से कहा, हे राजा, यातना से अधिक दान देने और स्वयं अपने को बिल्कुल अंधा और दुखी बना लेने का क्या कारण है? यदि तुम यह भेद मुझे बता दो, तो मैं तुम्हें तुम्हारी आंखें लौटा सकता हूँ। मैं स्वयं इंद्र हूँ। राजा ने कहा, नेत्र लौटाने के लिए सोना कैसा? मेरे नेत्र का दान यदि कोई महत्व है, तो आप उसे ही स्वीकार कीजिए और कुछ मत पूछिए। इंद्र इस शील से और भी प्रसन्न हुआ और राजा को पुनः नेत्र प्राप्त हो गए। कथा सुनाकर भगवान बुद्ध ने कहा, इस कथा में आनंद वैद्य था, अनिरुद्ध शक्र था और राजा शिवी तुम्हें स्वयं ही था।